दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस 60,000, 61,000, 59,000 इस जोन के आसपास चल रही है। ओके, अब लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये है राइट नाउ, जो हर कोई यहाँ पे सोच रहा है कि जो 27% या 30% की जो नीचे गिरावट आई थी BTC की और जो ऑल्टकॉइंस के अंदर आई थी उसके बाद से, तो वो क्या ये जो बिटकॉइन की जो एक साइकिल की उम्मीद कर रहे थे, क्या ये बिटकॉइन की साइकिल खत्म हो चुकी है? क्या यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि जब भी BTC कोशिश करता है कि 70,000 के लेवल को तोड़े, धड़ाम से प्राइस नीचे आ जाती है। राइट नाउ अभी नौबत ये आ गई है कि BTC जो है वो 61,000 के आसपास भी अपना एक सपोर्ट नहीं बना पा रहा है। जब भी जाता है सेल ऑफ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वापिस से जितने भी निवेशक है, ट्रेडर्स है, सबके मन में थोड़ी सी एक दुविधा आ गई है कि भाई क्या हो सकता है, ठीक है। और ये वही दुविधा है जब BTC की प्राइस 49,000 पे आई थी। ओके, और हमने तो भाई टारगेट यही बनाया था कि भाई 56-54 के आसपास आएगा तो भैया माल उठाना है, बट किस्मत और ज़बरदस्त चली, ठीक है, लोगों के लिए कि 49 के आसपास है। बट जिसने एंट्री ली होगी, जिसने कुछ ग्रैब किया होगा, उनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये मार्केट में चलता रहेगा, ठीक है। हम इतने साल से देखते हुए आ रहे हैं मार्केट को, मार्केट में 8-9 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। मार्केट में हर तरह की हमने साइकिल देखी कि मार्केट में किस हिसाब से ऊपर जाता है, किस हिसाब से प्राइस नीचे आता है, कितने टाइम तक रहता है, लोगों के इमोशंस क्या रहते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो थोड़ा सा एक अलग है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट या हम फॉरेक्स वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो के जो इमोशंस हैं, मेरे ख्याल से क्रिप्टो में जितने भी पुराने चावल हैं, यानी कि जो पुराने लोग हैं जो इसके अंदर है, उनको एक आइडिया मिल जाएगा। और आज भी मेरे बहुत सारे जो कहते फॉलोअर्स हैं, जो कह सकते हैं दुबई में ऑलरेडी मेरे यहाँ पे दोस्त भी बन चुके हैं, तो वो कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है। वो सिंपली क्या कर रहे हैं कि भाई ये बाय कर रहे हैं, हम ये बाय कर रहे हैं। आज $1,000 का बाय कर लिया, कल $2,000 का बाय कर लिया, आज 500 का बाय कर लिया, बिकॉज दे ऑल्सो नाउ नो कि मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है कम्युनिटी के अंदर वो थोड़ी सी एक पैनिक वाली है कि क्या पता यहाँ से मार्केट वापस से गिर जाए। देखिए मार्केट में प्लस और माइनस हो सकता है, और मैं अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट दिखाऊंगा, और ये चार्ट देखने के बाद आपको थोड़ा सा माइंड के अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी कि भाई हाँ ये तो कुछ सही बात लग रही है, ठीक है। क्योंकि वापस से लोग वही बातें लेके आ रहे हैं कि भाई डेथ क्रॉस आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें उठपटांग ला रहे हैं। देखिए वो टाइम चलेगी अब डेथ क्रॉस ये सब का, ठीक है। अब मार्केट जो है फंडामेंटली बहुत चल रहा है क्रिप्टो का, ओके। यानी कि मार्केट में जो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट जो लिंक्ड है वो क्या कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है, फ़र्क पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। ETF किस हिसाब से रिएक्ट कर रही हैं, इथेरियम ETF की जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो भैया लेयर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो ज़बरदस्त धूम मचा सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि भाई इथेरियम में अगर ट्रेडिंग हो गई देन यू शुड नॉट मिस द लेयर 2 प्रोजेक्ट्स। जानना चाहते हैं लेयर 2 प्रोजेक्ट कौन से हैं तो भैया कमेंट करके पूछो तो हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं चाहता हूँ ना कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ, मतलब आपके माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन डाल दूँ कि भाई अभी भी देर नहीं हुई है, 60,000 के आसपास है, क्योंकि अगर यहाँ से एक ज़बरदस्त बुल रैली आनी है, जो सब कह रहे हैं कि 1.5 लाख तक जाएगा, कोई कहता है कि 2.9 मिलियन के आसपास जाएगा, बड़े बड़े लोगों के ये बयान है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है या उसका आधा भी जाता है, 1-1.25 लाख तक भी चले जाता है, तो उस मायने में अभी अगर हम 60,000 पे भी बाय करते हैं या BTC जब 60,000 पे है और अकॉर्डिंगली ऑल्टकॉइंस जो इस लेवल पे हैं, अगर तब भी हम बाय करते हैं तो हमें बहुत मोटा मोटा प्रॉफिट होने की उम्मीद है, ठीक है। अगर हम अभी से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब आपके हमारे सामने बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो होनी थी और जिसके होने के बाद मार्केट में काफ़ी पैनिक होना था, वो सारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि माउंट कॉक्स की हम बात करते हैं कि माउंट कॉक्स जो था उसके पास जो उसके यूज़र्स थे उसको रिफंड करना था, तो वो बहुत सारा बेचेगा, तो उसने भी धीरे धीरे करके बेच दिया। मार्केट में से कुछ मार्केट पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा, मार्केट वापस से वहीं का वहीं खड़ा है, ठीक है। उसके बाद से हम जर्मनी की बात करते हैं कि जर्मनी फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस जो थी, उन्होंने लगभग कह सकते हैं कि 3 बिलियन के आसपास जो बिटकॉइन जो क्रिमिनल से उन्होंने सीज किए थे उसको भी उन्होंने बेच दिया। ये भी जब न्यूज़ आई थी तब मार्केट में ज़बरदस्त पैनिक था कि मार्केट आएगा, तो वो भी सब खत्म हो गया, वो भी बेच बाज दिया। तो जैसे जैसे बेचा जा रहा है उसको माल लिया भी जा रहा है, ठीक है। जैसे ब्लैक रॉक की बात कीजिए और भी जो बड़ी बड़ी ETF इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अच्छा खासा माल यहाँ पे उठाए जा रहे हैं।
और इतना सारा सेल ऑफ होने के बाद जो एक हम लिक्विडेशन की बात करते हैं तो लेट 2022 की अगर हम बात करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा उसके बाद से सबसे बड़ा जो एक लिक्विडेशन हुआ है ये अभी हुआ है, जहाँ पे इथेरियम की बात करते हैं वो एकदम नीचे आ गया था भाई 2100 पे। सोलाना की बात करते हैं ठीक है, वो भी बहुत नीचे आ गया था और सारे ऑल्टकॉइन्स बहुत नीचे आ गए थे ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक सेल ऑफ था, बहुत बड़ा एक लिक्विडेशन था, लेकिन स्टिल BTC इज बैक ऑन ट्रैक, काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा है। अगर यहाँ से डगमगा ना होता तो फटाक से ऊपर जाके वापस से नीचे आ गया होता, बट नहीं, वॉर की न्यूज़ आई लेकिन फिर भी BTC अपनी जगह खड़ा है ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट अभी मैं शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले क्या ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी है आपको समझना ओके, कि आगे और पैनिक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो न्यूज़ थी वो ऑलरेडी आके चली गई। देखिए मैं इस चार्ट के ऊपर बात कर रहा था ठीक है, ये जो है बिटकॉइन का चार्ट है और यहाँ पे देखिए बिटकॉइन में जब भी एक बुल रैली आई है या एक बुल रन का आगाज हुआ है उससे पहले मार्केट में जो एक करेक्शन हुई है वो नियर अबाउट कह सकते हैं 20 से रफली 27% के आसपास करेक्शन हुआ है। जब भी इतना बड़ा करेक्शन हुआ है तो उसके बाद से BTC के अंदर एक रैली आई है। यहाँ से आप देखो ठीक है, मार्च 2023 22% के आसपास यहाँ से गिरा फटाक से प्राइस ऊपर, फिर 20% के आसपास गिरावट हुई ऊपर, फिर 21% के आसपास गिरावट हुई मार्केट ऊपर, फिर 21% मार्केट ऊपर, 27% अब यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर रिकवरी ले लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक क्लियर कट आइडिया ये मिल जाता है कि भाई BTC की जो प्राइस है यहाँ से आपको हमको अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, अफकोर्स देखिए छोटा मोटा प्लस माइनस और हो सकता है, वी नेवर नो कि ईरान इसराइल का वॉर कब हो या ना हो, या बातें बातें होती रहती हैं ठीक है, वो एक अलग चीज़ है ठीक है। अगर वैसा कुछ होता है तो अफकोर्स यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट को कोई रोक नहीं सकता, बट फॉर द टाइम बिंग चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव लग रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर देखो मैं कुछ और आंकड़े यहाँ पे निकाल के देखता हूँ जो पॉजिटिव चीज़ हुई है। देखिए SEC की बात करते हैं, XRP को लेके पूरा उसने यू टर्न मार दिया ठीक है, SEC बहुत सारी चीज़ों में वो पीछे हट गया है ठीक है। देन क्रिप्टो हम ETF की बात करते हैं तो ये इसके अंदर अभी जो हमने देखा रिसेंटली बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स है वो इनफ्लो हो रहा है उसके अंदर ठीक है, और जो नंबर ऑफ एक्टिव वैलेट्स जो हम स्टैट्स निकालते हैं पिछले साल के मुताबिक 92% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ वैलेट, जहाँ पे आप और हम अपने क्रिप्टो को स्टोर करते हैं। स्टेबल कॉइन्स की हम बात करते हैं उसकी वॉल्यूम में भी अच्छा खासा यहाँ पे इजाफा है ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम वॉल स्ट्रीट जायंट्स की बात करते हैं यानी कि गोल्डमैन सैक की बात करते हैं या ब्लैक रॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे ये फंड्स को टोकनाइज कर रहे हैं, यानी कि ये रियल वर्ल्ड एसेट्स के ऊपर भी ये बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि RW कॉइन्स है उनके ऊपर नज़र रखो, अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिल सकता है ठीक है। और इन शॉर्ट जो सबके यहाँ पे आंकड़े निकल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के आंकड़े निकल रहे हैं और ये सब जो हम स्टैट्स निकाल के देख रहे हैं तो उससे क्लियर कट एक आइडिया यहाँ पे ये मिल जाता है कि मार्केट जो है आपको 2024 में अगर ये सही से चला तो आपको हमको इसकी जो प्राइस है वो 1-1.5 लाख के आसपास भी दिख सकती है ठीक है, कोई इसमें ताजुब नहीं होगा। और BTC अगर एक बार 1 लाख से ऊपर चले गया, 1.25 लाख के आसपास चले गया तो वापस से मुड़ के 1 लाख से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में जो है बहुत बड़ा पैसा लगा है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस का, ब्लैक रॉक Grayscale इन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है ठीक है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव रख लो, 49 गया तो गया ठीक है, अगर फिर नीचे आएगा तब हम देखेंगे। राइट नो 60,000 के आसपास प्राइस चल रहा है और अगेन मैं आपको वापस से कह रहा हूँ 62,500 बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है। इफ़ BTC प्राइस ब्रेक्स अबाउट 62,500 स्टेज नियर अबाउट 63,000 तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये 70,000 के ऊपर चले जाएगा ठीक है। ये कैलकुलेशन अपने माइंड के अंदर बिठा के रखना, और इनके 60,000 के नीचे तोड़ता है राइट नाउ उसको टूटने के बाद भी 59 एक सपोर्ट बना के रखता है, 59-58 से ये नीचे आता है तो वापस से आपको 52-54 का लेवल मिल सकता है। समझ गए ये किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए ठीक है। तो सो यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑफ दीज लेवल्स। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखना है। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा लेयर 2 वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर नजर रखो, RW वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर नजर रखो। इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, फटाफट कमेंट करके बोल दो तो मैं आपको होमवर्क करके शाम तक वो ऑल्टकॉइन्स यहाँ पे शेयर करता हूँ ठीक है, ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। जैसे कि मैंने 30% पोर्टफोलियो आपके साथ बना के दिया था तो जबरदस्त मुनाफा हुआ ठीक है। तो इफ यू वांट प्रॉफिट लेट मी नो इन कमेंट्स ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस ये सारी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीज आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था ताकि आप लोग घबराए ना डेथ क्रॉस ये सबसे ठीक है। कुछ नहीं होने वाला है, बिंदास रहो, मस्त प्रॉफिट होने वाला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में वाइंड अप करता हूं, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर ठोक देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड मेक श्योर बेल आइकन को जरूर क्लिक करना।
ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।